भारत में इस वक्त चर्चा अंजू को लेकर हो रही है कि अंजू पाकिस्तान क्यों गई, किस मकसद से गई। अब हम अंजू के पति अरविंद से समझेंगे। आपकी अंजू से बात हुई है? अभी तो कोई बात नहीं हुई है मेरी, नहीं बात हुई है। लेकिन एक जो रिकॉर्डिंग है वो सामने आ रही है, उस रिकॉर्डिंग में ये आपको अंजू बता रही है कि जो भी मेरी मेरे डॉक्यूमेंट्स है उसको आप छिपा दें, उसको आप कवर कर दें, उसको जांच टीम को ना दें। हाँ ये बोली है। तो ऐसा क्या है उसमें? अब पता नहीं, मैंने देखा भी नहीं है मैडम, नहीं देखा अभी डॉक्यूमेंट्स। आपको पता था कि वो जाने वाली है पाकिस्तान? नहीं, मेरे को इस मामले में पता ही नहीं है। और जब पता चला तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं तो बहुत हैरान हो गया था, वीजा कहाँ से मिला, कैसे मिला, वो भी नहीं मेरे को पता। आपको कोई जानकारी नहीं? नहीं है मैडम, किसी को भी नहीं, उनके माता पिता किसी को भी नहीं? नहीं पता है, किसी को नहीं है। वो संडे को मेरे को शाम को फोन आया तो मेरा बोली सबको बता दिया मैं। क्या आपको ये खबर मीडिया के थ्रू मिली है या अंजू ने आपको फोन किया था? वो अंजू का फोन आया था उसके भाभी पे व्हाट्सएप पे, तो बोली कि जीजू फोन आ रहा है बात कर लो। तो उसने बताई कि मैं रियल में बताऊँ कहाँ हूँ। हाँ तो रियल में बताओ, तो उसने लाहौर का नाम लिया। आपको कभी कोई शक हुआ कि अंजू का अफेयर है किसी के साथ, नसरुल्ला कोई उनके जीवन में है? नहीं, ऐसा कोई शक होने भी नहीं दिया हमें और ना पता चला हमें। मतलब रिश्ता आप लोगों का सामान्य था? सामान्य था, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं? कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। उसके भाई भाभी दोनों थे, वो भी देख लिए दो तीन महीने से, मम्मी भी आती थी वो भी देखती थी, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब उनके पिता नाराज हैं, भाई नाराज हैं, एक पति होने के नाते आप क्या कह रहे हैं कि दो चार दिन में अगर वो आती हैं तो क्या रिश्ता पहले जैसा रहेगा? नहीं, अब रिश्ता रखना ही नहीं, खत्म है। खत्म है सब, बच्चे भी तैयार है, खत्म कर दिए बच्चे भी। मतलब आप तलाक देंगे उन्हें? तलाक की कोई बात नहीं हुई है मेरे से, उन्होंने पहले ही बोल दिया है वहाँ जाके कि तलाक मैं ले ली हूँ, मेरे से तो कोई तलाक हुआ ही नहीं अभी तक। आपके पास क्या जानकारी है, क्या अंजू ने नसरुल्ला से शादी कर ली है या नहीं की है? मेरे पास तो कोई खबर आई नहीं है कि शादी कर ली है नहीं की है। वो खुद मीडिया में आके अपना खुद बता रही है कि मैंने शादी नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं है, वो खुद बता रही है। अगर शादी नहीं भी किया है तो भी आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि हमें बता के नहीं गई है, झूठ बोल के गई है। मतलब रिश्ते में आपको धोखा मिला है? धोखा ही है हमारे। क्या इस मामले में आप पुलिस से हस्तक्षेप चाहते हैं, आप राजस्थान की सरकार से हस्तक्षेप चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि बच्चे हमारे पास ही रहे। अच्छा, वहाँ जो नसरुल्ला है, पाकिस्तानी मीडिया को उसने ये स्टेटमेंट दिया है कि अगर अंजू बच्चे को लेकर आती है तो मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। वहाँ बच्चे जाने को राजी नहीं तो कैसे एक्सेप्ट करेगा, वहाँ बच्चे तो तैयार ही नहीं है जाने के लिए। और अगर अंजू आपके ऊपर प्रेशर बनाए, दबाव बनाए कि मैं बच्चों की कस्टडी लेना चाहती हूँ तो? नहीं, ऐसा होने ही नहीं देंगे हम बच्चों के। आप जांच चाहते हैं कि पाकिस्तानी लड़के से अगर उनका संबंध है तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ से शेयर किया होगा, आप चाहते हैं कि जांच हो? मैंने अभी देखा नहीं है क्या क्या इसने किया है पाकिस्तान के जाने के लिए। नहीं, हो सकता है कि भारत के कुछ इन्फॉर्मेशन। कौन से जॉब में थी अंजू? अंजू जॉब कर रही थी हुंडा कंपनी में, सिक्योरिटी का था। हाँ हा। वो बाय डाटा था। हाँ हा। कंप्यूटर बाय डाटा, उस पर बैठ के काम करती थी कंप्यूटर पर। तो आपको लगता है कि कोई इन्फॉर्मेशन शेयर किया हो? उनके ऑफिस की तरफ से कोई कॉल आया है क्या? नहीं, हमारी तरफ से तो कोई कॉल नहीं, नहीं। अंजू के ऑफिस से कोई कॉल आपको? नहीं, मेरे पास कोई कॉल आता नहीं है अंजू के ऑफिस से। हाँ, उनके परिवार में किससे किससे बात हो रही है, अंजू के परिवार, माता पिता, किसी से भी आपकी बात हो रही है? अभी तो फिलहाल तो किसी नहीं, बच्चों से बात कर रहा हूँ ज्यादातर। हाँ, बच्चे ठीक है? बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है? बच्चे है अपने जगह पर, सेफ है। मतलब वो इस, क्योंकि आपके बच्चे के बारे में मुझे ये पता चला कि वो बच्चे मैच्योर हैं, मतलब इतनी समझ है उनको कि माँ ने क्या किया है। हाँ, लड़की को पता है सारा, उसने सारा कुछ मैच्योर है, उसने खुद बोला है कि माँ को, मेरे को, मम्मी को शक्ल देखना ही नहीं है। मतलब बच्चों को भी इस बात से बहुत परेशानी है और नफरत है? हाँ, नफरत है, गई है अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से जी रही है। जिस जगह पे आप लोग रहते हैं भिवाड़ी में, उस फ्लैट में अब आप नहीं आने देंगे उनको? नहीं, नहीं आना है अब, नहीं, रिश्ता ही नहीं रखना। वो घर किसके नाम पे, आपके नाम पे या उनके नाम पे? नहीं, किसी के नाम पे नहीं है, वो रेंट पे था। अच्छा, वो रेंट पे घर है। हाँ, तो उस घर में अब आप नहीं जाने देंगे उन्हें? नहीं। तो फिर वो डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो बोल रही है कि डॉक्यूमेंट छुपा के रखना, वो मेरे को खुद ही नहीं पता कहाँ छुपा कर रखना। अभी क्या आप सीमा, अभी आप अंजू को फोन लगा सकते हैं? मैं नहीं करूंगा उसको फोन। मतलब मैं चाहती हूँ कि अगर आप एक बार कॉल लगाएं कि वो उनका क्या रिस्पांस आता है। नहीं, मैं नहीं कर सकता फोन, उनको नहीं लगाना चाहता। अब बात भी नहीं करना चाहते? नहीं करना चाहता।
नहीं, एक बार मैं चाहती हूँ कि अगर मीडिया के सामने आप पूछ पाए कि हाँ फिलहाल क्या स्टेटस है, क्या वो आना चाहती हैं, या हो सकता है कि उनसे गलती हुई हो, माफ़ी मांग ले, कुछ ऐसी बातें? ऐसे ही नहीं है, वो माफ़ी मांगती ही नहीं है जल्दी किसी से। अच्छा, कैसा स्वभाव है, कैसा नेचर है? बहुत जिद्दी? जिद में रहती है, जो करती है वही ठान लेती है, वो तो है। किसी की बात मानती है, परिवार के किसी भी सदस्य की? नहीं, कम मैंने जो कहती है ना वो अपनी जिद पे रहती है बस। किस बात का जिद? मैंने जो मैं कर रही हूँ वो मेरा ही, वो मैं ही करूँगी, वैसे ही करूँगी। तो मतलब ये कैसे संभव है कि आपको पता ही नहीं चला कि उनका रिश्ता किसी से है, किसी विदेशी और वो भी पाकिस्तानी लड़के से उनका संबंध है, कैसे आपको पता नहीं चला? नहीं चला मेरे को, मैं जॉब पे रहता हूँ मैडम, जॉब पर रहता हूँ, रात को 10 बजे भी आता हूँ, 7 बजे आता हूँ। कभी बिहेव से ऐसा नहीं लगा कि कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, कुछ तो ऐसा है? नहीं नहीं, मैं तो मैं सामने भी रहता हूँ तो हंसता हूँ, खिलाता हूँ बच्चों को, उसको भी हंसते खुशते रखता हूँ। क्योंकि एक जो आपकी और अंजू की बातचीत है उसमें बहुत नॉर्मल आप लोग बातचीत कर रहे हैं कि मैंने चिकन बनाया है, वहाँ क्या खाना बना है, खाना खाई हो, तब तक तो ऐसा पूछता हूँ उसको, यहाँ भी रहती है तो मैं पूछता हूँ खाना क्या बनाना है, क्या खाना है, ऐसे मैं पूछता रहता हूँ, कंपनी में भी रहता हूँ तो पूछता हूँ उसको, हाँ क्या बनाना है, कुछ मंगाना। लेकिन अच्छा, उस कॉल में आपने कुछ भी ऐसा नहीं पूछा, जैसे आज आप बहुत नाराज दिख रहे हैं कि आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप उस घर में नहीं जाने देंगे अंजू को, लेकिन उस कॉल में आप उस तरीके से हार्श नहीं दिखे, नाराज नहीं दिखे? नहीं नहीं, उससे मैंने पूछा था शादी कर रही है क्या, ये पूछा था मैंने, उसने बोला नहीं तो कल बात करती हूँ। और वो कल आया, उन्होंने बात किया? कल वो नहीं करती है बात ज़्यादा, या तो मैं ही करता हूँ या तो वही करती है। अच्छा। वो वही मैं ही करता हूँ ज़्यादातर, तो मेरे से तो कह रही है बात नहीं करनी आपसे, एंजल से बात करनी है बस। एंजल मतलब आपकी जो बच्ची है वो? ओके। अब आपका अगला कदम क्या होगा? अभी तो कोई डिसाइड नहीं है क्या होगा। मतलब आपने इस बीच, अच्छा एक बार आपसे पूछताछ भी हो चुकी है, उस पूछताछ में टीमों ने क्या पूछताछ की आपसे? आपसे इंक्वायरी कुछ हुई थी, नॉर्मल इन्फॉर्मेशन आपसे लिया गया था, यहाँ की लोकल पुलिस ने आपसे पूछताछ की थी, कुछ ऐसी बात है? बस वही पूछे थे, तुम्हें पता है ये है, मैंने कहा मेरे को नहीं बता के गई थी कि यहाँ गई है, मेरे को संडे को बताई है शाम को इतने बजे, वो जो मैंने बताया वही है। हाँ, वो पूछताछ कितने देर की थी पुलिस से जो आपकी बात हुई? वो मैं गेट के बाहर ही गया, उसी सामने तुरंत हुई पूछताछ। ये कितने दिन पहले की बात है? ये संडे की हुई सारी, संडे की बात है। हाँ, सारा मीडिया सब थे, सारे वहीं हुई पूछताछ। उसके बाद पुलिस की टीम ने आपसे फिर कोई संपर्क साधा? नहीं, अभी नहीं साधा है कोई, और अंदर। अच्छा, आप किस डर से अपने घर में नहीं रह रहे हैं, ये इसके पीछे क्या वजह है? आप ही की वजह से, मीडिया की वजह से कि सवाल का जवाब नहीं देना पड़े? हाँ, मैं परेशान हूँ इसलिए। कौन सी बात आपको परेशान कर रही है? आप लोग हमें बार बार आओगे, दिन भर बैठे रहोगे, फिर हम परेशान रहते हैं। हाँ हाँ। ये बात है, और कोई बात नहीं है इस मतलब वजह से। ऐसा नहीं है ना कि आपसे एक बार पूछताछ हुई तो शायद दोबारा पूछताछ ना हो? हाँ, इसलिए, इसके लिए भी। हाँ, तो पुलिस की टीम ने आपसे फिर संपर्क किया है इस बीच में? पुलिस का टीम तो नहीं, क्योंकि आज कुछ लोग ऐसे पहुंचे हुए थे जो कह रहे थे कि अगर पुलिस आती है तो हम चाहते हैं कि पुलिस ये जानकारी इकट्ठा करे, क्योंकि जब से अंजू ने ये कह दिया है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके घर में ऐसे हैं जो जिसको जांच टीम को नहीं देना है, तब से और ज़्यादा माहौल। अब मेरे को पता भी नहीं है ना कि कहाँ रखा है डॉक्यूमेंट्स, हाँ ये भी नहीं पता ना। अच्छा, नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स हम सबके पास या तो नौकरी के कागजात होते हैं या पढ़ाई के कागजात होते हैं, बैंक के कुछ पेपर्स होते हैं, घर के पेपर्स होते हैं, यही होता है, यही होता है। इसमें तो कुछ छुपाने वाली बात नहीं होती है, तो कौन से पेपर की बात हो रही है? अब ये पता नहीं, बताई नहीं है ना कौन से पेपर की बात, ये नहीं बताई मेरे को बस। ये क्या डाउट हो रहा है? अब पता नहीं क्या डाउट है, कहाँ रखी है वो भी नहीं पता। कुछ आप शक कर पा रहे हैं कि वो किस डॉक्यूमेंट, किस कागजात की बात हो रही है? वही तो मेरे को शक हो रहा है कि किस डॉक्यूमेंट्स की बात कर रही है, वही तो मैं सोच रहा हूँ उसी को। मतलब आप कुछ गेस नहीं कर पा रहे हैं कि वो कौन सा डॉक्यूमेंट है? हाँ, वो कौन सा डॉक्यूमेंट है वो पता नहीं चल रहा मेरे को। क्या ये हो सकता है कि इससे पहले भी वो पाकिस्तान गई हो? ना, इससे पहले तो कोई थप्पड़ कोई कुछ याद है कि इससे पहले लंबी छुट्टी पे वो कब थी? नहीं, लंबी छुट्टी पे तो नहीं जाती है, एक दो दिन की जाती है ऐसे। ये पहली दफा है जब इतने अच्छा इतनी लंबी छुट्टी पे बिना परिवार के? आपको डाउट नहीं हुआ कुछ कि जयपुर जाने के लिए या अमृतसर जाने के लिए 1 हफ्ते 10 दिन 20 दिन की जरूरत क्यों है? 1 हफ्ते के लिए उसने बोली थी तो वो 2-3 दिन तो घर पे रही। हाँ। ठीक है, 2-3 दिन के बाद वो गई, बृहस्पतिवार को गई। हाँ, बृहस्पतिवार या शुक्रवार को गई है वो। क्या अंजू ने नौकरी छोड़ दी है
या कंपनी की तरफ से क्या रिस्पांस है? उसने नौकरी से बोली थी छुट्टी लेके जा रही हूँ बस। हाँ, अभी कंपनी वालों का कुछ आया आपके पास? मेरे पास कोई फोन नहीं आता उनका, जो भी बात होती है अंजू से होती है, मेरे से तो नहीं होती। पूरे देश में इस खबर को लेकर बवाल है, सब नाराज हैं कि पाकिस्तान क्यों गई वो महिला, अगर जाना भी था तो तलाक लेके जाना था, रिश्ता एक रिश्ते में रहते हुए दूसरे को चीट नहीं करना था। ऐसे लोगों की भावनाओं को आप किस तरीके से देखते हैं जो आपके पक्ष में लोग बोल रहे हैं? वो तो सब जानते हैं कि वो बंदा कैसा है क्या है, सब जानते हैं मेरे को, तो हमारा ही सपोर्ट देंगे। गलत मेरी तरफ से तो कोई, मैंने तो भेजा नहीं है, वो गई अपनी मर्जी से गई है, ना हमें बताई है ना बच्चों को बता के गई है। अच्छा, मेरे सामने ही अंजू के भाई का कॉल आया था और आपके लिए वो चिंता जाहिर कर रहे थे। हाँ। कि आप मतलब इन भाई साहब को बता रहे थे कि प्लीज आपको कहीं सेफ जगह पे रखा जाए, या मतलब मीडिया से दूरी या कुछ, मतलब आपका केयर दिखा रहे थे। हाँ। मतलब अंजू के परिवार का पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है? हाँ, सपोर्ट है, वो देखते मेरा व्यवहार जानते हैं, सब कुछ है। मतलब वो अपनी बेटी को गलत ठहरा के आपको सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ और क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, बस आखिर में कोई ऐसा वाक्या जो आप अंजू के बारे में हमारे दर्शकों से बताना चाहें, अंजू के बारे में कुछ अच्छाई बुराई कुछ भी ऐसी याद? अंजू अच्छी है, ठीक है, मैं दिल से भी मानता हूँ, अभी भी मानता था उसको, मगर ये ऐसे करने से मेरे को धोखे में दिया, मैं अब उसको दिल, उसने मेरा तोड़ दिया सब कुछ। कितने साल हो गए शादी को? 2007 में हुआ था, मेरे 15-16 साल हो गए मैडम। इस तकलीफ से आप मुझे लग रहा है बार बार रोते भी हैं। बहुत तकलीफ होता मैडम। कहते हैं कि मर्द इतना कमजोर कभी नहीं होता कि उसके आंसू गिरे, लेकिन अरविंद इस वक्त बहुत मरमाहत है। मैं आपकी भावनाओं को समझ रही हूँ, लेकिन अब चूंकि आपको ही इन बातों पे बात करनी है तो इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। आखिरी सवाल एक बार मेरा फिर यही रहेगा कि आप क्या स्टैंड लेते हैं, क्या वाकई अंजू के लौटने पे आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, अब नहीं करना है मेरे को। अगर उसने आपसे माफ़ी मांगी? माफ़ी मेरे से क्यों मांगेगी, मेरा क्या है, मेरे से क्या, मैं तो चलो कोई बात नहीं, मेरे से क्या लेना देना, मैम तो बच्चों को सोचो ना, बच्चों को सोचना था इसको। बच्चे भी रो रहे होंगे? बच्चे भी रोते हैं, एक हमारा छोटा बच्चा खाना नहीं खा रहा, मम्मी को याद कर रहा है। क्या बच्चों के दबाव में आप झुक सकते हैं? मैं बच्चों के लिए तो तैयार हूँ, हमारी बेटी से बात होती है, कोई दिक्कत। मतलब अगर आपकी बेटी ने कहा कि मम्मी को पापा एक्सेप्ट कर लीजिए फिर से, तो आप? बेटी कहेगी नहीं, मेरे को विश्वास है। मतलब ये दर्द पूरी फैमिली के लिए बहुत गहरा है। उसने बोली पापा अब आराम से खाना खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो, खाना खाओ, हम सब हैं ना साथ में। एक वीडियो सामने आया, वो वीडियो को देख क्या आपके बच्चों ने भी देखी है, जिसमें नसरुल्ला के साथ अंजू के कुछ फोटोग्राफ्स हैं, कुछ वीडियो है जिसमें वो वेली में वहाँ घूम रही है? वो तो देख लिया, मैं भी देखा, बच्चे भी देखे होंगे, चला रहे होंगे, फोन होगा तो टच पे, उनके हाथ में फोन है। हाँ, रिश्तेदार है, वो है ना, जहाँ पे भी है फोन है। ओके। मतलब आप किसी भी सूरत में अब एक्सेप्ट नहीं करें? नहीं करना। बच्चों को लेकर आगे किस तरीके से रहना है, कुछ तय किया है? अब जितने हमारे सब रिश्तेदार जितने हमारे सपोर्ट करें उन्हीं के साथ बच्चों के साथ पालूंगा रहूंगा। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, हमें वक्त देने के लिए। तो इस वक्त हमारे दर्शक अंजू के पति अरविंद को सुन रहे थे। अरविंद इस वक्त मर्माहत है, दुखी है, वो रो रहे हैं और उनका यही कहना है कि किसी भी सूरत में मैं एक्सेप्ट नहीं करने वाला हूँ। और आखिरी सवाल, मैं आखिरी जवाब दे रहा हूँ, बच्चे मेरे पास ही रहेंगे। अगर कानूनन उनको अधिकार मिल गया तो? बच्चे मना कर देंगे तो फिर कानूनी आधार का कहाँ रहेगा? कोर्ट केस में अगर कुछ ऐसा होता है तो? नहीं होने देंगे, हम सब हमारे पीछे खड़े हैं सब।